दोस्तों क्या आपको मालूम है कि YouTube में काम करके आप 11 तरीकों से इनकम कर सकती हैं। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, उनको लगता है केवल एक ही तरीका YouTube से इनकम करने का, वो है एड्स। जब हम वीडियो देखते हैं तो एड्स आते हैं, उसी से इनकम होती है। लेकिन दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, इससे जबरदस्त इनकम जो है अन्य तरीकों में होती है। टोटल 11 तरीके होते हैं यूट्यूब में इनकम करने के। सभी के बारे में डिटेल से जानकारी मैं यहां पर आपको देने वाला हूं कि कौन कौन से वो तरीके हैं जहां से आप पैसा यूट्यूब से कमा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पहले तरीके के बारे में। तो पहला है गूगल एडसेंस। जब आप यूट्यूब पर काम करते हैं तो YPP यानी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, यानी कि अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए हमें 1,000 सब्सक्राइबर्स और पिछले 365 दिनों में 4,000 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद YPP में आप शामिल हो जाते हैं और तब आपके वीडियो में जो है एड्स आने लगते हैं अलग अलग कंपनियों के, और उन एड्स से हमें इनकम होती है। इस इनकम को बोलते हैं गूगल एडसेंस। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो पिछले 3 महीनों में 10 मिलियन व्यूज होना चाहिए, तब भी आप YPP में शामिल हो सकते हैं और एडसेंस से जो है इनकम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका। बात कर लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में। दूसरा तरीका यहां पर है अफिलिएट मार्केटिंग। आपने देखा होगा कि बहुत से यूट्यूबर क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे लिंक दिए रहते हैं। वो लिंक किसी भी वेबसाइट के हो सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट के हो सकते हैं या अन्य की कोई भी वेबसाइट हो सकती है। तो वो लिंक किस लिए दिए जाते हैं? एक तो उसमें आपको सहूलियत रहती है कि डायरेक्ट लिंक दिया गया, आप क्लिक करके आप उस पेज तक पहुंच जाते हैं। तो जिसके लिंक से आपने बाई किया है उसको कुछ कमीशन कंपनी देती है, इसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। यहां से भी अच्छी खासी इनकम होती है, यानी कि बहुत ज्यादा इनकम लोग यहां से भी करते हैं। जो जो लोग प्रोडक्ट रिव्यू के चैनल पर काम करते हैं उनकी बहुत ज्यादा इनकम यहां से होती है अफिलिएट मार्केटिंग से। मेरे वीडियो में आपने खुद देखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रहते हैं, तो अगर आप वहां से शॉपिंग करते हैं तो अफिलिएट कमीशन हमें मिलता है। बात कर लेते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तो जो तीसरा तरीका है सुपर चैट का। जब भी कोई व्यक्ति लाइव स्ट्रीम करता है देखा होगा कमेंट बॉक्स में एक डॉलर का चिन्ह बना होता है, तो उस डॉलर के चिन्ह का प्रयोग करते हुए कोई भी क्रिएटर को जो पैसे भेज सकता है, तो ये होता है सुपर चैट। ये लाइव के दौरान ही होता है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक फीचर और है, वो है सुपर थैंक्स। आपने देखा होगा जब आप वीडियो देखते हैं कोई, तो वहां पर लाइक का बटन होता है, शेयर का बटन होता है, वहीं पर एक थैंक्स का भी बटन होता है। तो आप उस क्रिएटर को अगर कुछ पैसे भेजना चाहते हैं, उसका काम पसंद है, उसका कंटेंट पसंद है, उसकी कुछ मदद करना चाहते हैं, तो थैंक्स के जरिए आप उस क्रिएटर को पैसे भेज सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है सुपर थैंक्स के जरिए भी इनकम करते हैं। ये भी एक यूट्यूब से इनकम करने का तरीका है। जो नवा तरीका है वो सबसे जबरदस्त है और सबसे ज्यादा इनकम इसी से होती है, तो वीडियो पूरा जरूर देख लेना। बात कर लेते हैं हम लोग पांचवें तरीके के बारे में। तो वो है यहां पर मेंबरशिप। YouTube की एक मेंबरशिप सर्विस होती है जिससे क्रिएटर को अच्छी खासी इनकम हो जाती है। आपने देखा होगा जहां पर चैनल का नाम होता है उसके बगल में सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होता है, वहीं पर एक ज्वाइन का भी बटन होता है, ब्लू कलर से ज्वाइन लिखा होता है। तो जो लोग उस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उस ज्वाइन बटन को क्लिक करके वहां से हर महीने रिकरिंग पेमेंट यूट्यूब को करते हैं और वो पैसा बाद में क्रिएटर को मिल जाता है यूट्यूब के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक तरीका है सुपर थैंक्स यूट्यूब से अर्निंग करने का। तो पांच तरीकों के बारे में यहां पर हमने बात कर लिया। छठवें तरीके की बात करते हैं, तो यह है मर्चेंडाइज। आपने देखा होगा कि जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो बहुत से चैनल ऐसे होते हैं जो मर्चेंडाइज को ऑन करके रखते हैं। तो यहां पर वीडियो जहां देखते हैं उसके नीचे देखेगा कुछ प्रोडक्ट आपको दिख रहे हो, तो उसमें टी शर्ट भी हो सकता है, कप भी हो सकता है और बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। अलग अलग चैनल अपने हिसाब से वहां पर प्रोडक्ट रखते हैं, तो उसको बोलते हैं मर्चेंडाइज। तो अगर उन प्रोडक्ट को आप शॉप करते हैं, बाई करते हैं, तो वहां से उस चैनल ओनर को जो है इनकम होती है। तो ये भी मर्चेंडाइज का एक फीचर होता है यूट्यूब में, वहां से भी अच्छी खासी इनकम लोगों की होती है। बात कर लेते हैं हम लोग सातवें तरीके के बारे में। तो ये है आपका कोर्स सेलिंग।
जब आप किसी पर्टिकुलर निच में एक्सपर्ट होते हैं तो आप अपने कोर्स बना करके सेल कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक टीचर हैं तो आप कोई भी कोर्स बना करके उनको सेल आउट कर सकते हैं यूट्यूब के जरिए या अपने ऐप के जरिए। तो आपको स्टूडेंट्स कहां से मिलेंगे? यूट्यूब से मिलेंगे। खासकर जितने भी एजुकेशन कैटेगरी के चैनल है वो सभी लोग कोर्स सेलिंग करके यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा वहां पर जनरेट करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी आपने देखा होगा जो कोर्स सेल तो नहीं करते हैं, वो अलग अलग ई बुक टाइप में सेल करते हैं या नोट सेल करते हैं। तो यहां से भी अच्छा खासा लोग पैसे बनाते हैं। एजुकेशन फील्ड हो गई या टेक फील्ड हो गई, तो वहां से बहुत से लोग ऐसे गए जो लोग अपनी ई बुक लॉन्च करते हैं, अपने नोट्स बेचते हैं। तो ये भी यहां पर एक जो जरिया है यूट्यूब से पैसा कमाने का। अब बात आती है नवे तरीके के जो कि सबका फेवरेट है जो भी यूट्यूब पर काम करता है, तो ये है आपका यहां पर स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप एक ऐसी इनकम है जिसमें सभी से ज्यादा पैसा मिलता है, वो गूगल एड्स ही क्यों ना हो, सबसे ज्यादा पैसा आपका स्पॉन्सरशिप से मिलता है। स्पॉन्सरशिप में क्या होता है, आपके पास विभिन्न कंपनियां आती हैं, बोलते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसका आपको अपने चैनल पर वीडियो बनाना है और इस वीडियो के बदले हम आपको इतना पैसा देंगे। तो आपको पैसा तो कंपनी देगी देगी, साथ में प्रोडक्ट भी बिल्कुल फ्री में देती है, और वहां पर जब आप वीडियो बनाते हैं तो गूगल एड से इनकम होती है, वो अलग। बात कर लेते हैं हम लोग अंतिम तरीके के बारे में, तो ये यहां पर पेड ग्रुप। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो कि पेड ग्रुप चलाते हैं, खासतौर पर जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो लोग वीडियो बनाते हैं, तो वो लोग अपना पेड ग्रुप भी चलाते हैं। तो पेड ग्रुप में वो अपनी अलग से सर्विसेज देते हैं, और मैंने देखा है कि फाइनेंस क्रिएटर्स के पेड ग्रुप में लगभग 4 लाख 5 लाख तक सब्सक्राइबर्स होते हैं। वहां पर लोग पेड करते हैं, यूट्यूब पर पेड करते हैं वो अलग, और उनके टेलीग्राम पर पेड करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन हर कैटेगरी में पेड ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम करता है, खासतौर पर फाइनेंस कैटेगरी में बहुत ज्यादा ये काम करता है। तो ये टोटल यहां पर मैंने आपको 11 तरीके बताए, इन 11 तरीकों से आप भी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप घर बैठे यूट्यूब से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते तो अभी एक्शन लीजिए, अभी चैनल बनाइए और अभी वीडियो डालना शुरू करिए। यूट्यूब में कैसे वीडियो बनाने हैं, कैसे चैनल बनाना है, कैसे चैनल की सेटिंग्स करनी है, कैसे चैनल को ग्रो करना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।